हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिया भटेजा। सो मैं आज बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इससे दो तरीके से आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। सो ये बेनिफिशियल कैसे रहेगी, कुछ बच्चे होते हैं जो राइस पसंद नहीं करते और कुछ बच्चे होते हैं जो रोटी पसंद नहीं करते। सो ये बेनिफिशियल कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका बच्चा रोटी नहीं खाता है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली खाएगा क्योंकि वो राइस खाता है। और अगर आपका बच्चा राइस नहीं खाता है तो भी ये डेफिनेटली खाएगा, ताकि आप उसको बाद में रोटी देने की आदत डाल सकें। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हूँ और उस रेसिपी का नाम है चावल के आटे की रोटियां। जी हाँ, मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट ये रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हुई है या नहीं, या आपके बेबी के लिए बेनिफिशियल हुई है या नहीं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो बनाते हैं। ओके, सो चावल के आटे की रोटियां बनाने से पहले ये जो भी आटा है अगर आपके पास अवेलेबल है, सो प्लीज़ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि इसे रोस्ट करके रख लीजिएगा एक डब्बे में भर के, तो इसकी रोटियां आप जल्दी बना सकते हैं। तो ये मेरा जो आटा है ये रोस्ट किया हुआ है और जो मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ। सो मैंने ऐसे 2 कप चावल का आटा ले लिया है और ये पहले आपको चेक भी करना है कि आपका चावल का आटा सही है कि नहीं है, जो भी आपने स्टोर करके रखा है। और दूसरा बात, इसको छानिएगा जरूर क्योंकि आप अपने बेबी के लिए बना रहे हैं। सो मैंने अपना पैन गरम होने रख दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा, आप चाहें तो बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप घी यूज़ करिएगा, बट अभी मेरे पास घी नहीं है तो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ 1 या 2 चम्मच ही डालें। और अगर आपने 2 कप जो आपने आटा लिया था जिस कप में, ये आपको 3 कप यूज़ करना है पानी। सो ये 3 कप हो गया पानी। अब आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सो इसमें आपको सॉल्ट अच्छे से यूज़ करना है, ताकि इसमें, ये पानी में मिला रहे हैं लेकिन अभी इसमें हम चावल का आटा भी डालेंगे, तो आपको अपने स्वाद अनुसार और थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि आटा डालने के बाद वो फीका ना लगे। सो इस पानी को अच्छे से बॉईल करिए जब तक ये प्रॉपर तरीके से इसके बुलबुले ना निकल आ जाएं, तब हम जाके इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। सो देखिए पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है और इसमें बॉइलिंग होना भी शुरू हो गई है, तो अब यही सही टाइम है जब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। बट उससे पहले मैं एक बहुत अच्छी टिप दूंगी, प्लीज़ ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चावल का आटा गर्म पानी में ऐड कर रहे हैं तो लकड़ी का ही कुछ यूज़ करें, जैसे कि बेलन, ये हुआ, क्योंकि इससे अच्छे से ये आटा इस पानी में मिक्स हो जाएगा। सो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि हम भी खाएंगे यही, बट आप चाहें तो शुरुआत में अपने, अगर बेबी के लिए बना रहे हैं तो कम से स्टार्ट करें। अब मैं इसे घुमा लूँगी और गैस को कम कर दीजिए। सो गाइस, मैंने इसे अच्छे से घुमा लिया है, मेरे बेबी ने भी मेरी हेल्प करी घुमाने में, तो देखिए कुछ इस टाइप से हो जाएगा। बस आपको गैस ऑफ कर देना है और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। चलिए मैं फिर भी आपको पास से भी दिखा देती हूँ। सो 5-10 मिनट हो जाए और अगर आपका आटा थोड़ा सा गर्म हो तब हम इसे गूंद लेंगे पानी से। देखिए कैसे गूंदते हैं। सो वापस मैं वही यूज करूंगी जिसमें मैंने आटा लिया था, मैं ये सब निकाल दूंगी। देखिए अभी भी गर्म है, बट अगर ज़्यादा गर्म हो तो प्लीज़ ट्राई ना करें, थोड़े टाइम और छोड़ दीजिए ताकि ये नॉर्मल हो जाए, ताकि आप इसे अच्छे से गूंद सकें। इसके 3 फायदे ये है कि जब हम वो वाला आटा गूंदते हैं नॉर्मली, तब आप उसको ऐसे ही चकले पे नहीं बेल पाएंगे क्योंकि वो बहुत स्टिकी हो जाएगा या फिर निकलेगा या टूटेगा, और आपको प्लास्टिक पॉली लेनी पड़ेगी बेलने के लिए। और दूसरा, इसमें नहीं होती है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको खुद बेल के दिखाऊंगी। और दूसरा ये है कि आप इसको जितना भी पतला बेलें रोटी की तरह, आप उसमें वो नहीं कर पाएंगे। तीसरा, ये रोटी अगर आप 2 दिन तक भी रखते हैं
तो आप देखेंगे ये 2 दिन तक भी सॉफ्ट रोटी की तरह रहेगी और आपके बेबी को डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो चलो मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बेलती जाऊंगी। आपको इसको तब तक पानी डाल के अच्छे से गूंदना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट आटा ना बन जाता है। सो देख रहे हैं जितना मैं इसमें पानी डाल के इसको गूंद रही हूँ उतना अच्छा ये डो रेडी होता जा रहा है। देखिए आपको ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार करना है। ट्रस्ट मी, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये रोटी हम सब खाते हैं हमारी फैमिली में। आप भी अगर ये रोटी एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। तो आपको गैस ऑन कर देना है बिल्कुल फुल पे, बिल्कुल फुल पे, और आपको ये रोटियां बनानी है। तो आप देख रहे हैं ये फूली है पूरी तरीके से। चावल की रोटी आप बेबी को बहुत सारी सब्जियों के साथ दे सकते हैं, जैसे अंडे की भुजी हुई, आप अंडे का स्क्रैम्बल बना के भी दे सकते हैं। आज मैंने दाल बनाई है, दाल के साथ भी दे सकते हैं, दही के साथ भी बेबी को बहुत अच्छी लगेगी। आप किसी के भी साथ अपने बेबी को सर्व करके देंगे, पसंद आएगा, या उसको हाथ में भी दे देंगे तो उसे डेफिनेटली पसंद आएगा। तो ट्राई करें मेरी रेसिपी और बताइए आपको कैसा लगे।